ये भीड़ किसी चुनावी रैली का हिस्सा नहीं है, ये भीड़ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्रों की है, जिन पर ये पुलिस लाठियां बरसा रही है। इन्हीं नौजवानों को नौकरी के सपने बेचकर राज्य के सियासतदान सत्ता पर बैठे हैं, लेकिन आलम तो देखिए, अपने हक मांगने पर देश के सबसे बड़े राज्य, कथित तौर पर सबसे मजबूत सरकार, अब इन्हें लाठियां दे रही है। इन नौजवानों की गलती क्या है? बस एक छोटी सी मांग जिसे सरकार पूरा नहीं कर पा रही है और अपनी मजबूती दिखाने के लिए लाठियां भांज रही है। इनकी मांग क्या है? बस इतना ही तो है, उन्हें कंपटीशन का फेयर मौका दिया जाए। जी हाँ, यूपी की योगी सरकार ने 9 अक्टूबर 2023 को आरओ और एआरओ परीक्षा कराने का नोटिफिकेशन जारी किया था। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद छात्रों को सरकार से उम्मीद जगी, अब हमें रोजगार मिलेगा। 2024 फरवरी के महीने में आरओ एआरओ परीक्षा का आयोजन भी किया गया, लेकिन पेपर लीक हो गया। छात्रों ने इसके खिलाफ आंदोलन किया, फिर सरकार ने माना कि पेपर लीक हुआ है और परीक्षा रद्द कर दिया। और फिर इस परीक्षा को जल्द कराने की बात सरकार की तरफ से कही गई। छात्र इस परीक्षा की तारीख का इंतजार करते रहे। फरवरी के बाद ये परीक्षा अक्टूबर में होना था, लेकिन अचानक इसे दिसंबर में शिफ्ट कर दिया गया। इसके साथ ही यूपी पीसीएस परीक्षा का नोटिफिकेशन भी इसी साल जनवरी में जारी हुआ। इसका परीक्षा मार्च में होना था, लेकिन इसकी तारीख भी सरकार ने आगे कर दिसंबर में कर दिया। अब रद्द हुए आरओ एआरओ और यूपी पीएससी का परीक्षा दिसंबर में एक साथ होना है। और विवाद की वजह जो है वो ये है कि आयोग ने इन परीक्षाओं को दो पाली में कराने के आदेश दिए हैं। दो पाली में परीक्षा से छात्रों को क्यों है परेशानी? दरअसल जब कोई भी परीक्षा दो शिफ्ट या अलग अलग तारीखों में कराई जाती है तो इन दोनों शिफ्टों में पेपर की डिफिकल्टी लेवल अलग अलग होता है, क्योंकि इनके पेपर भी अलग अलग होते हैं। ऐसे में कम डिफिकल्टी वाले पेपर में छात्रों को फायदा न हो, इसके लिए नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस अपनाया जाता है। इसके लिए विभाग एक फार्मूले के आधार पर काम करता है। ऐसे में छात्रों के साथ गड़बड़ और भ्रष्टाचार होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। छात्र इसी प्रोसेस का विरोध कर रहे हैं। उनकी मांग है कि ये परीक्षा एक साथ होनी चाहिए और नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। जबकि आयोग का कहना है कि हमारे पास केंद्र उपलब्ध नहीं है कि एक साथ 6 लाख अभ्यर्थियों का पेपर कराया जा सके। छात्रों का कहना है कि पहले आयोग आराम से इससे ज्यादा छात्रों का पेपर कराता आया है, फिर इस बार ऐसा क्यों नहीं? आयोग का नॉर्मलाइजेशन पर क्या तर्क है? नॉर्मलाइजेशन पर आयोग के सचिव अशोक कुमार ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि जितने फॉर्म भरे गए थे उनका एक दिन में परीक्षा करा पाना संभव नहीं है, क्योंकि हमने सेंटर बनाते वक्त यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज को भी शामिल किया है, लेकिन पर्याप्त संख्या में केंद्र नहीं मिल पा रहे हैं। बाकी इस परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन की जिस प्रक्रिया को अपनाया गया है उसे सिविल अपील उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य बनाम अतुल कुमार द्विवेदी एवं अन्य में 7 जनवरी 2024 को पारित सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में ठीक माना गया है। केरल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे राज्यों में यह प्रक्रिया पहले से चल रही है, फिर इसे कैसे गलत माना जा सकता है? कब होना है परीक्षा? यूपी लोक सेवा आयोग पिछले 2 सालों में परीक्षा कराने में असफल साबित हुआ है। छात्र लगातार परीक्षा कराने की मांग कर रहे हैं। इस बीच 5 नवंबर को आयोग ने यूपी पीसीएस और आरओ एआरओ परीक्षा की तारीखों की घोषणा कर दी। 220 पदों पर भर्ती होनी है। पीसीएस प्री परीक्षा 7 और 8 दिसंबर को 2 शिफ्ट में होगी। आरओ एआरओ की प्री परीक्षा 3 शिफ्ट में होनी है। 2 शिफ्ट 22 दिसंबर को और 1 शिफ्ट 23 दिसंबर को होगी। पीसीएस की परीक्षा के लिए 5,76,154 अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा है। वहीं आरओ एआरओ के लिए 10,76,004 अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा है। ऐसे में जब छात्र इसके खिलाफ सड़क पर उतरे तो पुलिस ने लाठियां भाजनी शुरू कर दी। जब लाठियां भाजी गई तो प्रदर्शन का उग्र होना जाहिर सी बात थी। तो ये थी इलाहाबाद छात्रों द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी यह रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।